भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। इक्कीस मार्च 2020 है, चैत्र मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि द्वादशी है और वार शनिवार है। विक्रम संवत 2076 है, परधावी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, प्रारंभ हो रहा है। सूर्य उत्तरायण के अंदर है, बसंत ऋतु आ जाए और मुस्लिम तारीख 25 है, रज्जब माह चल रहा है, हिजरी सन 1441 है। तिथि द्वादशी दिन में 7:56 तक है, उसके उपरांत त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र धनिष्ठा रात्रि में 7:40 तक, उसके उपरांत शतभिषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सिद्ध दिन में 12:21 तक, उसके उपरांत साध्य योग आरंभ हो जाएगा। करण तैतिल दिन में 7:56 तक, उसके उपरांत गर करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:33 पर और सूर्यास्त 6:35 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य मीन राशि में, मंगल बृहस्पति केतु धनु राशि में, बुध और चंद्रमा कुंभ राशि में, शुक्र मेष राशि में, शनि मकर राशि में और राहु मिथुन राशि के अंदर है। व्रत त्योहार की बात करें तो पंचक हैं, द्वादशी तिथि वृद्धि है, शनि प्रदोष व्रत है और राष्ट्रीय चैत्र मास आज के दिन प्रारंभ हो रहा है। शक संवत 1942 प्रारंभ है। श्रेष्ठ चौगड़ियों की बात करें तो शुभ का चौगड़िया 8:04 से 9:34 तक है। चर का चौगड़िया 12:34 से 2:04 तक है। लाभ और अमृत का चौगड़िया 2:04 से 5:05 तक है। राहु काल वेला दिन में 9 से लेकर के 10:30 तक है। जो लोग राहु काल को में शुभ कार्यों को नहीं करते हैं और उनके लिए टाला जाना भी संभव ना हो तो नमकीन पदार्थ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, इससे राहु काल के दुष्प्रभावों कमी आएगी। जो लोग दिशाशूल को मानते हैं, आज पूर्व दिशा में दिशाशूल रहेगा, इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर आप दिशाशूल को मानते हैं तो टाली जानी चाहिए और अगर टाला जाना संभव ना हो तो प्रातःकाल गायों को चारा खिला करके आप यात्रा प्रारंभ करें, इससे दिशाशूल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा बुध के साथ कुंभ राशि के अंदर, इसके क्या मायने? कुंभ राशि के अंदर चंद्रमा बहुत ही ऊर्जा, कार्यक ऊर्जा, काम के प्रति बड़ा आपके अंदर जो भी पेंडिंग काम है उनको करने के लिए आप तत्पर होते हुए, बहुत ही रात से ही इवन आपके मन के अंदर ये भावना रहेगी कि आपके कार्य सही तरीके से उनकी प्लानिंग करके सोएंगे आप, जिससे आप सुबह उन कार्यों को ठीक से करने की लिए तैयार हो। लेकिन बुध का साथ होना एक मायने में, एक तरह से कहें कि चंद्र और बुध का जो मिलन है, ये कई चीज़ों को लेकर के कई अच्छे और जो है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव देने में सक्षम है। अगर आप कहीं वार्तालाप के अंदर हैं, कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ सिर्फ बातचीत से डील होनी है, यानी केवल ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ बातचीत बहुत महत्वपूर्ण हो जानी है, तो अपने शब्दों का चयन और अपनी भाषा की गरिमा आप गिरने ना दें, क्योंकि बुध अगर इमोशनल चंद्रमा के साथ है तो कोई ऐसी स्थिति, पुराने प्रसंग या भाषा में कोई ऐसी स्थिति का आपको सामना करना पड़ सकता है जो बहुत आवश्यक ना भी हो उस बातचीत के लिए। गैर जरूरी बातचीत आपकी उसमें शामिल, गैर जरूरी शब्द आपकी बातचीत में शामिल हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखने की आवश्यकता है। बहुत महत्वपूर्ण ढंग से एक और बैंकिंग सेगमेंट का, व्यवसाय के सेगमेंट का स्वामी भी बुध है। चंद्रमा यहां पर इमोशनल होकर के अगर उस स्तर पर आपको कहीं डाइवर्ट करना चाहे, यानी भावनात्मक रूप से कोई आप व्यवसायिक कार्य करना चाहें, तो बिल्कुल आज इसके लिए दिन ठीक नहीं है। आपको इमोशनल होकर के अपने कार्यों को कम से कम बिजनेस तो बिल्कुल नहीं करना है आज। इसके अलावा बुध की जो स्थिति है वो एक ऐसी स्थिति को आपको ले जा सकती है जहां पर आप अगर बेहतर कार्य करने के लिए इमोशनल रिलेशनशिप की आपको जरूरत हो, यानी ऐसी स्थिति जहां व्यवसाय भावनात्मक स्थितियों से हो रहा हो, भावनात्मक लोगों से हो रहा हो, आपके परिवार में हो रहा हो, बड़े
जो है लोगों के साथ आपको डील करनी हो, धन की आवश्यकताएं हो, परिवार से आपको धन लेना हो, तो बहुत बेहतरीन दिन है। आपको अगर अपने जीवन साथी के साथ उनकी मदद लेनी हो किसी कार्य के अंदर, बहुत अच्छा दिन है। यानी इमोशंस को अगर आपको वर्क के लिए काम में लेना है तो बहुत अच्छा दिन है। लेकिन अगर नकारात्मक तो रूप से कहीं काम आ गया तो फिर नुकसानदेह हो सकता है। एक ऐसी स्थिति जो बहुत समझ करके बहुत नियंत्रण के साथ काम में लेनी है, ऐसी ऊर्जा आज के दिन के अंदर है। और भी महत्वपूर्ण बात यह कि सूर्य जो है वो मीन राशि यानी कि बृहस्पति की राशि में अद्भुत ऊर्जा सूर्य की अच्छे कार्यों को उपलब्ध है। अद्भुत ऊर्जा सूर्य की ऐसे कामों को उपलब्ध है जो काम प्रकृति के अंदर बहुत ही आत्मिक उत्थान के लिए होते हैं। आपको अगर कहीं भक्ति भावना से जुड़े हुए या कोई ऐसे सीखने के कार्य, कोई भी ट्रेनिंग प्रोसेस, कोई भी पिछले दिनों अगर शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत बेहतर नहीं कर पाए और एग्जाम सामने ही आ गए हैं, तो 7-8-10 दिन के अंदर आप क्या बेहतर कर सकते हैं, इसकी ऊर्जा आपको सूर्य तुरंत उपलब्ध कराते हैं। ऐसे संयोग आपको उपलब्ध कराते हैं। करना सिर्फ इतना है कि आप नहा धोकर के सुबह जल्दी उठें, जल्दी स्नान करें और एक जल का कलश लेकर के सूर्य के सामने उपस्थित हों। उस जल को सूर्य के अपने और सूर्य के बीच से गुजारें। उसकी जो किरणें हैं वो अपने शरीर पर आने दें। लंबे समय, 1 मिनट से ज़्यादा समय तक सूर्य को अर्घ दें। सूर्य का जल आपके जो जल है वो सूर्य की किरणों और आपके बीच से गुजरे, आप देखेंगे इसका अद्भुत आप चमत्कार महसूस करेंगे अपने अंदर। आपको एक अच्छी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी और इसके प्रभाव से आप अपने सभी कार्यों के अंदर जो बहुत शॉर्ट एक उसमें रह गया है, शॉर्ट टाइम के अंदर आपको बेहतरीन काम करके दिखाना है उसके लिए, और वो भी मेंटल एबिलिटी के, उसके लिए आप बहुत अच्छा दिन ये साबित हो सकता है अगर इस तरह से आप इसको काम में लेते। वक्त चला, एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, बने रहिए भाग्य में हमारे साथ।